नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, धनतेरस के दिन हम रखते हैं धन पोटली, कुबेर पोटली या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पोटली। इस पोटली बहुत ही खास होता है और देखिए, मैंने अपनी पोटली जिस तरह से बना के रखा है, ये सालों साल चलता है और इसमें से कोई भी चीज़ हमें हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि हमने कौन सा चीज़ रखा है और आप भी इसी तरह से पोटली बना सकते हैं। तो देखिए, ये घर पर बना हुआ पोटली है। आप अगर घर पर बना सकते हैं तो घर पर बना ले, नहीं तो इस समय जो है इस तरह का पोटली मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है। आप चाहे तो एक खरीद के भी ला सकते हैं। खरीदना भी नहीं चाहते हैं और बनाना भी नहीं हो सकता है तो लाल कपड़े, रेशमी कपड़े ले लें, उसी में बांध के भी रख सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा सबसे पहला चीज़ है। इसके बाद में एक एक चीज़ बहुत ही आपको आराम से खास करके दिखाऊंगी, आप आराम से देखना। और एक रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे ना दीदी अच्छे से सामने से दिखा के मुझे बता दो ताकि मैं उस चीज़ को अच्छे से कर पाऊँ। तो देखिए, सबसे पहले आता है मोती शंख। इसको अच्छे से देखिए, मोती के शेप के होते हैं और ऊपर तक ऐसे इस तरह से छोटे छोटे आकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पूजा के दुकान में मिल जाएगी। ये देखिए, छोटा सा भी होता है, ऐसे छोटे भी, नॉर्मली छोटा ही ज़्यादा होता है, तो इस तरह का होता है। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं ये दिखाती हूँ आपको तो अच्छे से दिखाई। इसको कहते हैं मोती शंख। तो जो लोग नहीं पहचानते हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी आराम से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये है मोती शंख। हम जो सामान लेंगे ना, वो हर चीज़ हमें या तो 11 नंबर के लेनी है, या 13 के संख्या में लेनी है, या 5 के संख्या में लेनी है। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ जो है 5-5 करके लिया हुआ है। और एक बात बताती हूँ कि कोई चीज़ इसमें से अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर उस चीज़ को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये ना सब सामने से देखिए, अच्छे से देखिए, पता चलेगा। इसको बोलते हैं एकाक्षी नारियल, एक आँख वाली नारियल। पूजा के दुकान में अवेलेबल हो जाती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैंने लास्ट ईयर मैंने इसको जोड़ा है, लास्ट टू लास्ट ईयर जोड़ा है, 2 साल हो गया और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। देखिए, 2 साल पूरा हो गया मेरा। तो इसको कहते हैं एकाक्षी नारियल। इसके बाद आप रख सकते हैं लघु नारियल। देखिए, ध्यान से देखिए, ये है लघु नारियल। हर साल मैं इसी चीज़ का पूजा करती हूँ और दुकान, पूजा के दुकान में आप खाली नाम लिख लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये है लघु नारियल। लघु नारियल मैंने 2 ही रखा है। एकाक्षी नारियल आप एक भी रख सकते हो, इसको 5 रखने की ज़रूरत नहीं है। लघु नारियल मैंने 2 रखा है। आप चाहे तो इसको 5 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। इसके बाद तो आप सभी को पता ही है जो होता है वो है सुपारी। तो देखिए, 5 के संख्या में मैंने सुपारी रखा है, ठीक है। तो ये है सुपारी। और ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप लेंगे ना, एकदम सूखी होनी चाहिए। सूखा होने से क्या होता है ना, चीज़ें खराब होने के चांसेस आपका बहुत कम हो जाता है। आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा ना धूप में इनको रख दीजिए। धूप में रखने से बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने आपको दिखाती हूँ पीली कौड़ी। तो ये देखिए, ये है पीली कौड़ी। हर साल मैं इनको पूजा करके रखती हूँ और पीली कौड़ी भी आपको 5 लेनी है। तो ये देखिए, ये ऐसे दुकान में आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक के ना हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी जो ऐसे दुकान से ले जहाँ पे आपका जान पहचान काफ़ी दिन है, या तो फिर वो दुकान काफ़ी पुरानी है, तो ऐसे दुकान से ले सामान तो आपको ठगने के चांसेस कम रहता है। आप एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, इसको कहते हैं काली हल्दी। ये हमारे जो ससुराल में भी होता है तो गांव से लाए थे, और मेरे ख्याल से ये गांव से लाए थे या खरीद के लाए थे, आप तो मुझे याद नहीं, काफ़ी साल हो गया है। तो ये है काली हल्दी, ये भी पूजा के दुकान में मिल जाएगा, तो ये एक आप ज़रूर रख ले। और इसके अलावा जटामासी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बहुत ही मतलब लिमिटेड चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। और ये है गुंजा। देखिए, ये इसको कहते हैं गुंजा। मैंने ये प्लास्टिक के पैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि मिक्स हो जाता है सारे, तो आप चाहे तो मिक्स करके भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, गुंजा ना 3 प्रकार के होते हैं। एक रेड गुंजा, इसको ध्यान से देखिए, इसमें देखिए एक काले काले डॉट है और इसको कहते हैं रेड गुंजा, ठीक है। और एक होता है ब्लैक गुंजा। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे और पूजा के शॉप में बड़े आराम से ये मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। और ये है वाइट गुंजा, ठीक है, ये है वाइट गुंजा। तो ये 3 चीज़ें हमने लिया है। मैंने ये 51 51 51 का है। आप चाहे तो इसको 11 के नंबर पे ले सकते हैं,
21 के नंबर पे भी ले सकते हैं। तो ये हो गया गुंजा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो जो है वो है कमलगट्टा। तो कमलगट्टा मैं लास्ट मोमेंट पे ऐड किया था और सही वाला बताऊँ तो मुझे 5 नहीं मिल पाई, 3 ही मिल पाई थी। किसी को लाने के लिए दिया था तो वो 3 ही लेके आए। तो मैंने इस साल जो है मैं 2 और इसमें ऐड करूंगी तो ये भी मेरा 5 के संख्या में हो जाएगा। कमलगट्टा क्या होता है, कमल का बीज होता है, इसी से मखाना भी निकालते हैं। तो पूजा के सामान में कमलगट्टे के पूरा माला भी आता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जप करना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो आप कमलगट्टे के माला भी रख सकते हैं जिसमें 108 कमलगट्टे रहेंगे, या तो फिर आप 5 इस तरह का कमलगट्टा रख सकते हैं। इसके बाद आपको रखना है कोई भी सोना चांदी। तो देखिए मेरे पास ना ये कॉइन था, तो ये कॉइन मैंने एक बार रख दिया तो मैं इसको निकालती नहीं हूँ, ये कॉइन मेरा रखा रहता है। तो ये सोने का मैं रख देती हूँ। आप चाहे तो इस कॉइन के बदले में कोई रिंग रख सकते हैं सोने का। अगर छोटे हैं बच्चे तो उस टाइम पे उनको कोई सोने का रिंग वगैरह गिफ्ट में मिलता है जो बाद में उतना यूज़ तो होता नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो सोना भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक सोना आपको रखना चाहिए जो घर पे ही अवेलेबल है, उस तरह का कोई भी एक सोना आप रख सकते हैं। एक आपको मोती या फिर ये मूनस्टोन है, देखिए ये जो है ना ये मूनस्टोन है, तो आप चाहे तो मूनस्टोन या तो फिर मोती कुछ भी इस तरह का एक चीज आप रख सकते हैं। रत्न, कहने का मतलब ये है कि एक रत्न आपको रखनी है, तो एक रत्न यहाँ पे हो गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है गोमती चक्र, इस तरह का गोल बना हुआ रहता है और ऊपर से ये इस तरह का दिखते हैं, ठीक है। तो ये है गोमती चक्र, गोमती चक्र भी आपको 5 लेना है। तो देखिए मैंने ना यहाँ पे 5 गोमती चक्र लेके इसका मैं हर साल पूजा भी करती हूँ, तो आप देख भी सकते हैं कि पिछले साल का पूजा का सिंदूर अभी भी लगा है इसमें, और इस साल फिर मैं इनको धो के साफ करके गंगा जल से फिर मैं पूजा करूँगी इनका। ये जो है ना धनपोटली, ये बहुत ही ज़्यादा धन वर्षा करने वाली है। ये चीज़ें ऐसी होती है तो आपको जरूर करना चाहिए। देखिए मैंने ना फर्स्ट ईयर में एक 5 रुपए का कॉइन मैंने यहाँ पे रख दिया था, तो मैंने इसको कभी निकाला नहीं है, और ये कॉइन का मैं हर साल पूजा करती हूँ तो ये कॉइन मैंने कभी नहीं निकाला है। और एक चीज़ मेरे पास अलग से है, ये शायद आपको नहीं मिल पाएगी, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना एक चांदी का कॉइन है। ये इसमें आपको तो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये लिखा है 1919 साल की है, मतलब जो है 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस चांदी के कॉइन को। अगर कैमरे में आ रहा है तो देखिए 1919 साल का ये चांदी का कॉइन है, ये मेरी सास ने मुझे दिया था। तो ये जो कॉइन है ये मैं जो है रखती हूँ पूजा में, और ये मेरे ये पोटली में ही रहती है, तो मैं इसको कभी निकालती नहीं हूँ। जब से मुझे ये कॉइन मिला है मैंने इस पोटली में इनको रख के रखा है। इसके बाद जो है भीमसेनी कपूर, देखिए यहाँ पे रखा है। तो भीमसेनी कपूर आपको जो है प्लास्टिक के अंदर नहीं रखनी है। मेरा जो कपूर लास्ट ईयर मैंने डाला था वो कपूर ख़त्म हो गया है, तो इस तरह का आता है, देखिए इस तरह का भीमसेनी कपूर आता है। तो देसी कपूर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको देसी कपूर भी बोला जाता है और कहीं कहीं इसको भीमसेनी कपूर भी बोला जाता है। तो इस तरह का ये बनता है, इस तरह का ये आता है, और ये जो सारी चीज़ में कभी कीड़े नहीं लगते, कभी ख़राब नहीं होती है। खास करके कमलगट्टे में कीड़े लगने के बहुत चांसेस होते हैं, तो ये बिल्कुल वो कीड़ा लगने नहीं देता है। तो भीमसेनी कपूर आप ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा डालिए, ये बहुत कम है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालिए। एक चीज़ मैंने बाद में ऐड किया, ये चीज़ मैंने बाद में ऐड किया, जब मैंने पोटली बनाया था 4 साल 5 साल पहले, तो उस वक्त जो है मैंने ऐड नहीं किया था। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसमें से कोई भी अगर 2-3 चीज़ें भी, 3 चीज़ें 5-7 चीज़ें आपको मिल जाती है तो आप उस चीज़ को लेकर पोटली बना ले, फिर अगले साल आपको जो भी उसमें ऐड करना है आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये है पारद के लक्ष्मी गणेश जी, पारद के लक्ष्मी गणेश जी बहुत ही शुभ रहता है, ठीक है। पारद जो धातु होते हैं ना, ये अपने आप में ये धातु सिद्ध होते हैं, और दिवाली के धनतेरस से लेकर दिवाली के 5 दिन तक इनकी पूजा, पंचोपचार षोड़ोपचार जैसे आप पूजा कर सकते हैं, जिस तरह से आप पूजा कर सकते हैं इस तरह से पूजा होती है इनकी, और पूजा होने के बाद इनकी स्थापना की जाती है। स्थापना मतलब इनको पूजा के बाद इन सारे सामानों के साथ, देखिए मैंने लक्ष्मी गणेश जी के लिए अलग से एक पोटली रखा है, इस लाल पोटली के अंदर, ये जो लाल पोटली है इसके अंदर मैं ये पोटली में लक्ष्मी गणेश जी को अलग से रखती हूँ। तो ये सारे सामान जो है मेरा धन पोटली में रहता है,
इसमें से कोई भी सामान आपको बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। अब मैं एक वीडियो और आपको दूंगी जिसमें आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं अपना कुबेर पोटली, धन पोटली, लेकिन उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको हर साल उस चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि हर साल उस चीज़ को रख सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नेक्स्ट ईयर चेंज करना पड़ेगा, विसर्जन करना पड़ेगा, भूमि विसर्जन चाहे जल विसर्जन, विसर्जन करना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ना, अब चीज़ें ऐसी है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। महंगा आपको जो पड़ेगा वो है ये सोना और चांदी, पारद की ये मूर्ति, पारद की जगह पे आप चांदी की छोटी छोटी मूर्ति ले सकते हैं, स्फटिक की मूर्ति ले सकते हैं। स्फटिक की मूर्ति जो होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से लीजिए, ऐसी दुकान से लीजिए या तो किसी गोल्ड ज्वेलर से लीजिए, ताकि वो कांच का ना हो। कांच का मूर्ति पूजा करना राहु को बुलावा देना होता है, कांच की मूर्ति बिल्कुल नहीं पूजा करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप अगर एक बार में इतना नहीं ले पाते हो, आप 5 चीज़ों लेकर अपना पोटली बनाएं, अगले साल लक्ष्मी गणेश जी का इंट्रोडक्शन करें, अगले साल फिर कोई एक नया चीज़ आप डाल सकते हैं, कभी मोती डाल सकते हैं, तो एक एक चीज़ करके आप अपना धनपोटली का सामान बढ़ा सकते हैं। वैसे टोटल ना 27 चीज़ें पड़ती है, बहुत सारा मेडिकेटेड चीज़ें भी पड़ती है हर चीज़ की। तो देख, मैंने अपनी पोटली, धनपोटली इस तरह से बना के रखा है कि मेरे सारा सामान सालों साल चलता रहे। तो इस तरह से आप जो है, इस तरह से अगर धनपोटली बनाते हैं तो आपके घर में कुबेर भगवान के आशीर्वाद सदा सर्वदा रहेगा, साथ में भगवान लक्ष्मी जी के आशीर्वाद रहेगी, कोई चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। अगर हो सके तो आप एक मोती ज़रूर ऐड करें। मैं कोशिश करूँगी, अगर इस साल मुझे मोती ऐड कर पाऊँगी तो मोती ऐड करूँगी, नहीं तो आपने ध्यान किया होगा मेरे यहाँ पर ना बहुत सारे चीज़ें कम है, 27 चीज़ें नहीं है, तो उन 27 चीज़ों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके ऐड करते जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया तो इतना जो है मोर देन सफिशियंट है, बहुत अच्छा है। धनतेरस के दिन इनकी पंचोपचार पूजा करें, 5 दिन तक इनकी पूजा करें, 5वें दिन जिस दिन दिवाली होगी उस दिन रात भर पूजा के बाद सवेरे इनको इस पोटली में भर कर आपको किसी जगह पर छुपा के रखना है, सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पर आपका जो पैसे रहते हैं, खजाना के मतलब जो पैसे रखते हैं, या तो फिर जहाँ पे आप गहने वगैरह रखते हैं, इसी जगह पे आप इनको जरूर रखें। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों आपका एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मनोबल देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।